as he had been invited on all earlier occasions, they didn't even allow him to be there because he would have been a very independent person to have reported what actually happened inside. जिस पार्टी ने लोकपाल की लड़ाई लड़ी और लोकपाल के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, वो आज अपने इंटरनल लोकपाल, जिनके बारे में कोई दुनिया में कोई एक आदमी भी नहीं कह सकता कि भाई ये ईमानदार नहीं है या न्यूट्रल नहीं है, उनको जब आपको इनकन्वीनियंट लगता है तो आप उनको संविधान के खिलाफ चलकर उनको निकाल देते हैं। ये तो वैसे ही हो गया जैसे कि रूस में स्टालिन के समय जब पर्ज करी गई थी तो जो भी इनकन्वीनियंट लोग थे किसी को मार दिया गया, किसी को निकाल दिया गया। और इस तरह से अब अगर ये पार्टी चलाई जाएगी, शायद अब लोकपाल बिल में आम आदमी पार्टी को एक अमेंडमेंट प्रपोज करना चाहिए कि भाई लोकपाल को आम आदमी पार्टी का सुप्रीमो जब चाहे हटा सकता है। लोकपाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो के सहमति से बनाया जाएगा, और अगर लोकपाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो के खिलाफ कुछ कहता है तो फिर उसको कंटेम्प्ट माना जाएगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि लोकपाल जो आम आदमी पार्टी का संविधान है उसके हिसाब से लोकपाल को, अगले लोकपाल की नियुक्ति करने का अधिकार भी उसी लोकपाल को है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ लोकपाल को ही नहीं पता, उसे हटा दिया गया, जबकि सिस्टम ये है इस पार्टी का जो लिखा है कि जो नया लोकपाल नियुक्त होगा उसे पुराना वाला लोकपाल ही नियुक्त करेगा, ऐसे हटा ही नहीं सकते। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है जो उन्होंने किया है, ऐसे एक सीनियर आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार, तानाशाही, रवैया, मुझे लगता है ये दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही है। दोनों गुटों से हमारा आग्रह है कि इकट्ठे होकर के जनता, दिल्ली की जनता ने जिस विश्वास के साथ उनको जिताया है उस विश्वास को ना टूटने दे। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज वेदर यू एग्री विद द आम आदमी पार्टी और यू डिसएग्री विद इट, आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड द फैक्ट दैट दे हैव अटैक्ड करप्शन एंड दे हैव स्टूड फॉर लोकपाल, इंडिपेंडेंट ओम्बड्समैन, बट इफ यू सी व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट फ्यू डेज, I think it undermines their own ethos, it undermines their own philosophy for which they have been established and for which they have come this far. My concern is that this will lead to cynicism among voters, that even a party which claimed to be bringing in a new type of politics has fallen prey to the same old problems. All I can say is that it's very sad.